करीब 1500 करोड़ के मेगा बजट से तैयार हुई फिल्म गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग ने भारत के बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। वीकडेज में नॉन हॉलीडेज पर रिलीज होने के बावजूद फिल्म को जो रॉकिंग रिव्यूज मिले हैं वो साफ बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ये फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस का नया रिकॉर्ड बना सकती है। जी हाँ, 24 मार्च को रिलीज होने वाली गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग की शुरुआती पब्लिक रिव्यू रिपोर्ट्स आने लगी है। लोग इस फिल्म का काफी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि लोगों ने इसे रूही और मुंबई सागर के मुकाबले ज्यादा प्रायोरिटी दी और फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को थिएटर में जाकर देखा। तो आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर पब्लिक को इस फिल्म में क्या क्या बातें खूब पसंद आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है फिल्म का VFX और खास तौर से 20 मिनट लंबा इसका क्लाइमेक्स लोगों को खूब पसंद आ रहा है। देखिए ये यूजर क्या लिखते हैं। Godzilla vs Kong, लास्ट 20 मिनट्स, मैड, नॉन स्टॉप एक्शन, प्योर एडरेनालिन रश, विजुअल्स। इनके मुताबिक Godzilla vs Kong एक वर्चुअल चीट है और आखिर के 20 मिनट में पूरी फिल्म फुल मजे देती है। वहीं काफी फैंस तो फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने फिल्म के क्लाइमेक्स के कुछ सीन सोशल मीडिया पर भी शेयर करने शुरू कर दिए। कुणाल जैन नाम के ट्विटर यूजर देखिए क्या लिखते हैं। ऑसम मूवी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन इंडिया, Godzilla vs Kong, द विजुअल इफेक्ट्स आर माइंड ब्लोइंग, डोंट मिस इट। ऑसम मूवी, भारत में मैंने Godzilla vs Kong का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स माइंड ब्लोइंग है, इसे मिस मत करना। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर दीपक गौड़ा ने तो Godzilla vs Kong की तारीफों के पुल बांधे हैं। Godzilla vs Kong was like watching two Hollywood action stars, Arnold or Jackie Chan in the battle in same movie. Excellent visual effects, good story, superb score and the epic battles. Movie will be huge hit in India. Watch it on the big screen. दीपक के मुताबिक फिल्म ऐसी एक्शन सागा है जिसमें आप एक ही फिल्म में आर्नोल्ड और जैकी चैन के एक्शन के मजे ले रहे हैं। फिल्म में एक्सेलेंट वर्चुअल इफेक्ट है, बढ़िया कहानी है और बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है। फिल्म भारत में हिट होगी, ये फिल्म IMAX पर देखे जाने लायक है। कुल मिलाकर Godzilla vs Kong एक ऐसा पैसा वसूल फिल्म बताई जा रही है। साथ ही इसे देखने वाले ये भी कह रहे हैं कि हॉलीवुड की ये फिल्म हकीकत में एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है और इसे थिएटर में ही देखे जाना चाहिए। वहीं फिल्म को मिल रहे शुरुआती रिस्पांस को देखते फिल्म एनालिस्ट का मानना है कि Godzilla vs Kong रूही और मुंबई सागर का रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म एनालिस्ट सुमित कैंडेल के मुताबिक पूरे भारत में फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है और साउथ से लेकर हिंदी बेल्ट तक हर जगह लोग Godzilla vs Kong को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। Godzilla vs Kong took a good opening across India and day one collection may surpass 3 crore net mark. Film has opened better than Hindi release, Ruhi and Mumbai Saga. चलिए वैसे तो Godzilla vs Kong वीकेंड में रिलीज हुई है। जाहिर तौर पर अगर भी ऐसा रिस्पांस मिल रहा है तो वीकेंड में तो ये फिल्म धमाका कर देगी। वैसे भी मल्टीप्लेक्स थिएटर में इस जैसी हॉलीवुड फिल्म के अच्छे बिजनेस करने की उम्मीद है। अगर आपने भी ये फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में फिल्म का अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि बाकी के लोग भी आपके रिव्यू से फायदा उठा सके। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।